हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरुआती दो ओवरों में ही घुटने टेकने पर मजबूरी, भारत में इतिहास रचने का सपना सजाकर आई ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद सिराज के साथ मोहम्मद शमी ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा कोहराम, तहस नहस हो गया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर। और कैसे, 5 दिनों के खेल के पहले सेशन में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर बना ली है अपनी अजय बढ़त। उनके खौफनाक गेंदबाजी से लेकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको खाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और रवि अश्विन में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नागपुर का मैदान तैयार था इस साल के सबसे बड़े महामुकाबले का गवाह बनने के लिए। सफेद कपड़ों में दुनिया की दो सबसे बड़ी ही टेस्ट टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से घमासान के लिए तैयार थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित ने टॉस के दौरान बताया कि टीम इंडिया के लिए आज सूर्य कुमार यादव के साथ केएस भरत टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का घमंड देखते ही बन रहा था, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के लिए धाकड़ शुरुआत करने के इरादे से खतरनाक बल्लेबाज मैदान में आते हैं। पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने दिखा दिया था कि यहां रन बनाना उतना भी आसान नहीं रहने वाला है। और बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों के इरादे से वाकिफ करा दिया। सिराज की गेंद ख्वाजा के बल्ले को बीट करते हुए सीधे उनके पैड पर जाकर लगी, जिसमें अपील करने पर एम्पायर ने इस बल्लेबाज को पवेलियन चलता कर दिया। हालांकि ख्वाजा ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी इस बल्लेबाज को बचा नहीं पाए। ख्वाजा महज 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट आते हैं। भारतीय टीम ने बेहद खौफनाक शुरुआत कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी। ख्वाजा के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लबुशन के। दोस्तों, भारतीय टीम के इरादे बुलंद नजर आ रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत से ही अटैकिंग सोच अपनाकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाना शुरू कर दिया था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो जाएगी। जी हां, पारी का 3रा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से पहले डेविड वार्नर को छकाया। उसके बाद ओवर की 3री गेंद पर वार्नर को चारों खाने चित कर दिया। शमी ने इतनी खतरनाक गेंद डाली कि वार्नर कुछ कर पाते। उससे पहले गेंद ने उनके 3 विकेट उड़ा दिए, जिससे कि 1 विकेट तो उड़ते हुए कोसों दूर जाकर गिरा था। ऑस्ट्रेलिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे, क्योंकि मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलवा दी थी। दोस्तों, डेविड वार्नर भी महज 1 रन बनाकर चलते बने और ऑस्ट्रेलियाई टीम के 2 रनों पर 2 विकेट गिर गए। अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आए, जो हमेशा ही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होते हैं। उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। हालांकि ये चौका गेंदबाज की गलती से आया था, लेकिन दूसरे छोर से मार्नस ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में पहले स्ट्रेट ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरा, तो फिर पॉइंट के बीच से इतना खतरनाक चौका लगाया कि मोहम्मद सिराज भी दंग रह गए। जी हां दोस्तों, मैदान पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये 2 बल्लेबाज खड़े थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाज करनी शुरू कर दी। स्टीव स्मिथ ने भी मोहम्मद शमी के खिलाफ कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर अपने तूफानी अंदाज जाहिर कर दिया था। और देखते देखते 6 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 25 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इतना खतरनाक अंदाज देखकर रोहित ने भी अपने प्लान में तुरंत बदलाव किया और तेज गेंदबाजी आक्रमण को रोककर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार स्पिन गेंदबाजों का रुख कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डट गए हैं। हालांकि गेंदबाजी में बदलाव होते ही रनों में भी लगाम लग गई थी। उनके लिए 1-1 रन बनाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। 6 ओवरों में 25 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवरों में महज 27 रन बनाए थे। 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 2 रन अपने बल्ले से जोड़ने में कामयाब हुई थी, जो भारतीय दृष्टिकोण से राहत की बात थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। शमी से लेकर मोहम्मद सिराज, वहीं अक्षर पटेल से लेकर रविंद्र जडेजा, कोई भी इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा था। 15 ओवरों के खेल में ऑस्ट्रेलिया महज 33 रन बना पाई थी। वहीं अभी स्पिन गेंदबाजों का असली करिश्मा होना तो बाकी है। तो ऑस्ट्रेलिया का पहले सेशन के खेल में 100 रनों तक पहुंच पाना भी बेहद मुश्किल है और उनके कई बड़े विकेट यहां से ढेर भी हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहली पारी में भारत के लिए कौन सा भारतीय गेंदबाज सबसे अधिक सफलताएं
हासिल करेगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल